बहुत ही अमेजिंग तरीके से एक तो ये प्रेजेंटेशन किया गया और मज़ा आती है। एक तो बहुत कुछ देख कर इन बच्चों का, स्पेशली बच्चे, फिर ये बाकी लोग, इनकी जो जो वीरता है सोशल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, वो देख कर अचरज होता है और बड़ा क्या कहते हैं वो इंस्पिरेशन मिलता है। ये जो असली वीर लोग हैं वो एक एक तरीके की मुहिम शुरू हो चुकी है ये CID वीरता अवार्ड्स की तरफ से, जो ये 4th साल चल रहा है, और मुझे लगता है कि ये जो एक मोमेंटम पैदा किया है, जो असली वीर हमारे सामने हैं जिन लोगों ने, तो वो समाज में एक पॉजिटिव वेव्स जाती हैं, पॉजिटिव थॉट्स जाता है। टशन के साथ ही रहते हैं वैसे तो, और भारती जी के लिए होप उनको कोई अच्छा लड़का मिले अभी, मतलब शिशु सेटल इन लाइफ, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि बहुत जल्दी मैच मिल जाए। वीरता के अवार्ड्स है, और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उसके लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं और उनको वीरता अवार्ड्स में शामिल करते हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। ये था कि काफ़ी अवार्डीज, मतलब कंपटीशन में बहुत सारे लोग थे, तो किसको लेना किसको नहीं लेना एक बहुत बड़ी मुश्किल थी हमारे लिए, लेकिन हमने देखा जो जेन्युइन थे उन्हीं को हमने अवार्ड दिए। बहुत ही अच्छा रहा। इनफैक्ट मैंने क्रिश को अवार्ड प्रेजेंट किया, वो एक बच्चा था और उसने इतनी बहादुरी का काम किया है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आई थिंक हर एक इंसान को हर दिन कोशिश करनी चाहिए कि आप लोगों की मदद कर सको। हाँ, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस शो को लेकर। इट्स समथिंग न्यू, इट्स समथिंग डिफरेंट, और आई एम बैक टू वर्क एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। पिछले 4 सालों से समारोह हो ही रहा है, बहुत अच्छा ये एक इवेंट है जहाँ साहस के लिए, वीरता के लिए, सच्चाई के लिए जिन्होंने कुछ काम किया उनके लिए उनको सराहना जाता है, उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। आज की शाम जैसे मैं अभी अपने कलीग के साथ डिस्कस कर रहा था कि बहुत कोजी थी, बहुत अच्छी थी, और ये कोई नॉर्मल रेगुलर अवार्ड फंक्शन नहीं था, इसमें असली हीरो और असली हीरोइंस को अवार्ड दिया जाता है। दिस इज द ओनली अवार्ड जो आम आदमी के लिए, उनकी उनकी ब्रेवरी के लिए, उनकी यू नो वीरता के लिए उनको रिकग्नाइज करता था। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल इफेक्ट। ये वो लोग हैं जिनको कोई नचा नहीं सकता, मतलब सीरियस रहते हैं, अपनी शादी में भी घोड़ी में ऐसे बैठे होंगे, चलो चलो आगे चलो, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, बट उनके साथ डांस करके बहुत अच्छा लगा, और ACP साहब के साथ तो बहुत ही, चाहे ऊपर से मतलब नारियल की तरह है, कड़क है, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। नॉट ओनली फॉर टेलीविजन पीपल, बट जो अलग वीर लोग जो हैं पर्सनली, हीरोज जो हैं, उनके लिए बहुत मैटर करता है, बिकॉज आई वॉज पार्ट ऑफ CID ऑफ कोर्स, आए तो हमने इसके लिए परफॉर्म किया है, एंड हमको सब पता चलता है कहाँ से किसने कितने सालों में क्या क्या अच्छा कुछ काम किया है बीइंग अ हीरो इन रियल लाइफ, तो उनको सम्मानित करते हैं यहाँ पे। सो दैट्स फॉर द अवार्ड्स। बहुत खुशी होती है जब बच्चे इस तरह का करेज दिखाते हैं और अपना इतनी बहादुरी के साथ ऐसे सिचुएशन में बड़ों से भी अच्छा बिहेव करते हैं और लोगों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और इनको एनकरेज करना, इनको बढ़ावा देना और देश में एक ये मैसेज पहुँचाना कि हमारे बच्चे भी आज ऐसे सिचुएशन में काम आ सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे अवार्ड सेरेमनीज अटेंड किए हैं, लेकिन ये अवार्ड सचमुच इज़ इम्पोर्टेंट, बिकॉज जो साहस इन लोगों ने दिखाया है, एंड कमाल की बात है कि हम लोग या एक्टर्स जो फिल्मों में, जो टेलीविजन सीरियल में माधुरी के किस्से कारनामे दिखाते, कई बार वो असल जिंदगी ना बड़े डरपोक टाइप होते हैं। असली हीरोज तो ये हैं, इन्हें ऑनर करने आई हूँ, एंड आई एम श्योर आई एम गोइंग टू एंजॉय मीटिंग ऑल ऑफ देम। रियल लाइफ में कर रही हूँ, वो रियल लाइफ में मैं प्रेजेंट करने भी आई हूँ। आई थिंक TV पे पोर्ट्रे करना ये सब डायलॉग्स के साथ और स्क्रिप्ट के साथ, इट्स वेरी इजी, बट जो लोग एक्चुअली लाइफ में अपनी जान पे खेल के ये सब काम करते हैं, और नहीं, आज शाम मैं सिर्फ यहाँ पर सबको प्रोत्साहित करने आया हूँ, इनकरेज करने आया हूँ, ये जो एक्चुअल रियल हीरोज़ हैं यहाँ पर उन्हें फेलिसिटेट करने आया हूँ, और इनफैक्ट मैंने एक बहुत ही हिम्मत वाले इंसान को एक एक सर्टिफिकेट दिया है, एक मेडल दिया है, इट्स माय ऑनर। ऑब्वियसली ये नॉर्मल अवार्ड्स नहीं है जहाँ पर सेलिब्रिटी अवार्ड्स कहा जाए जिन्हें, इट इज़ टू ऑनर द ब्रेव, एंड इट्स अ गुड थिंग, यहाँ पर आकर एक अलग फ्लेवर है तो एक अलग मज़ा आएगा। अभी तक तो कितनों को घायल किया वो नहीं पता, बस मैं अपना परफॉर्मेंस देकर आ गया, अब घायलों की गिनती अब मुझे जाके करनी है इसके बाद। वीरता अवार्ड्स आई थिंक इट्स एक स्टेज, ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमारे देश के वीरों को सम्मानित करता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत हो गया अवार्ड्स एक्टर्स के लिए, हमारी फिल्म फ्रटर्निटी के लिए, टेलीविजन फ्रटर्निटी के लिए, लेकिन जो हमारे देश के वीर हैं, जो
वो लोग जिनको जिनको बेसिकली अप्रिसिएशन या उन लोगों के क्रेडिबिलिटी का क्रेडिट नहीं मिलता बेसिकली, तो आई थिंक दिस इज़ वन प्लेस वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमारे देश के सारे वीरों को सराहा जाता है और उन्हें उन्हें सम्मानित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, विच इज़ वेरी नाइस।